हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। टाइम की बात करेंगे, चरण की बात करेंगे, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण क्या होता है इसको समझेंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन, कांग्रेस का विभाजन, मुस्लिम लीग, गांधी जी कब आए, होमरूल आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बहुत सारी घटनाएं जो जो हुआ है 1885 से हम लोग 1947 तक का कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम के बारे में, 1885 से 1947, 1885 से 1947। तो इस टाइम को तीन चरणों में बांटा गया, तीन स्टेज में। तो फर्स्ट आपका है 1885 से 1905 उदारवादी चरण, 1905 से 1919 उग्रवादी चरण, 1919 से 1947 गांधीवादी चरण। अब आप सोच रहे होंगे कि उदारवादी चरण क्या होता है, उग्रवादी चरण क्या होता है और गांधीवादी चरण। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से समझते हैं कि ये क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं उदारवादी चरण। समय है 1885 से 1905, उग्रवादी चरण है 1905 से 1919 और गांधीवादी चरण 1919 से 1947। तो उदारवादी चरण में क्या होता था कि ये लोग अपनी मांगों को याचना पत्र के द्वारा मांगते थे, और इसमें से प्रमुख नेता कौन कौन थे, WC बनर्जी, रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरव जी, और भी बहुत लोग थे। तो उदारवादी चरण के ये महत्वपूर्ण नेता और ये लोग अपनी मांगों को याचना पत्र यानी कि प्रार्थना पत्र, अब मांग पूरा हुआ तो ठीक, नहीं तो केवल सुधार के दृष्टिकोण से ये लोग किसी धरने प्रदर्शन को करते थे। तो इसलिए इनको बोला जाता था उदारवादी चरण, मतलब लड़ाई में विश्वास नहीं करते थे। तो WC बनर्जी, रास बिहारी बोस, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरव जी, ये प्रमुख नेता का नाम आपको याद रखना है, उदारवादी चरण के थे और ये लोग अपनी मांगों को याचना पत्र के द्वारा मांगते थे। तो उदारवादी चरण, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते उग्रवादी चरण, नामे से लग रहा है कि ये लोग खतरनाक होंगे। समय 1905 से 1919, महत्वपूर्ण नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जी, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। अब ये अपनी मांग पूरा करने हेतु भारी आंदोलन करते थे, बहिष्कार हड़ताल करते थे, ठीक है। तो ये लोग उग्रवादी टाइप का मतलब व्यवहार करते थे कि भैया मेरे को दे दो नहीं तो हम छीन लेंगे आपसे। तो उग्रवादी चरण ये था। गांधीवादी चरण की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और ये लोग सत्याग्रह अहिंसात्मक आंदोलन, मतलब जिस आंदोलन में हिंसा नहीं उसको क्या बोला जाता है, गांधीवादी चरण। तो आप समझ गए होंगे कि उदारवादी चरण क्या होता है, जिसमें लोग अपनी मांगों को याचना पत्र के द्वारा मांगते थे। उदारवादी चरण में क्या होता है, ये अपनी मांग करने हेतु भारी आंदोलन करते थे, बहिष्कार करते थे, हड़ताल करते थे। गांधीवादी चरण क्या था भैया, सत्याग्रह अहिंसात्मक आंदोलन। तो कुछ प्रमुख नेताओं का नाम भी आप याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं टाइम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो अभी केवल इसमें टाइम की बात करेंगे, फिर एक एक के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। तो पहले आपको टाइम याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहला टाइम है 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। एक बार मेरे साथ आप भी रिपीट करिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो 1885 में क्या हुआ था ये बताइए आप। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बोलिए मेरे साथ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 बंगाल विभाजन, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। 1905 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1906, ठीक है, एक साल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, जिसमें प्रांतीय चुनाव के बारे में बात हुआ था। 1911 दिल्ली दरबार लगा, सब के बारे में डिटेल्स पढ़ना है पहले आप यहाँ से इस भी याद कर लीजिए। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1911 दिल्ली दरबार, 1914 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध,
1915 गांधी जी का आगमन। अब बात करते हैं 1916 होम रूल आंदोलन, 1917 चंपारण आंदोलन, जो कि आपको बिल्कुल मालूम है, एक फेमस बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन ये आपका हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, जिसमें मजदूरों को पेंशन की बात की गई थी कि भाई इनका मजदूरी बढ़ाया जाए, 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, रॉलेट एक्ट, ना वकील ना दलील ना अपील, डायरेक्ट गिरफ्तार करो। 1920 खिलाफत आंदोलन, 1922 चौरी चौरा कांड, जो कि आपको मालूम है पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था चौकी थाना को। 1923 स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं, दया राम सरस्वती, ठीक है, या स्वामी विवेकानंद। 1928 साइमन कमीशन, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब बात करते हैं 1931 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। 1932 पूना पैक्ट, 1932 में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1935 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम। 1937 भारत में प्रांतीय चुनाव, 1938 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1939 जो कि आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1939 से 1945 तक, ठीक है। 1939 में अगस्त प्रस्ताव, 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, 1942 क्रिप्स मिशन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन 1942, 1943 आज़ादी फौज की स्थापना 1945, शिमला समझौता हुआ था 1946, कैबिनेट मिशन 1946 में भी नौसेना विद्रोह हुआ था, और 1947 माउंट बेटन योजना आया, उसके बाद देश अपना आज़ाद हुआ, उसके बाद देसी रियासतों का विलय हो गया। तो ये आपके हो गए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, 1885 में क्या हुआ था भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1905 बंगाल विभाजन, 1905 कांग्रेस अधिवेशन, 1906 मुस्लिम लीग, 1907 कांग्रेस का विभाजन, 1909 रिपीट करते जाइएगा मेरे साथ मार्ले मिंटो सुधार, 1911 दिल्ली दरबार, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 1915 गांधी जी का आगमन, 1916 होम रूल आंदोलन, 1917 चंपारण आंदोलन जो कि आपको बिल्कुल मालूम है, 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर जिसमें पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी, 1918 खेड़ा सत्याग्रह, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 रॉलेट एक्ट, 1920 खिलाफत आंदोलन, 1922 चौरी चौरा कांड, 1923 स्वराज पार्टी, 1928 साइमन कमीशन, 1928 में भी क्या हुआ था भाई, नेहरू रिपोर्ट आया था, ठीक है। 1929 की बात करें लाहौर अधिवेशन, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, 1932 में पूना पैक्ट, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, 1935 भारत शासन अधिनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद है 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव, 1938 कांग्रेस अधिवेशन, 1939 द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ, 1939 में ही अगस्त प्रस्ताव आया था, 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 क्रिप्स मिशन या भारत छोड़ो आंदोलन, 1943 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ, 1945 में क्या हुआ शिमला समझौता, 1946 में कैबिनेट मिशन 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ, और 1947 में माउंटबेटन योजना अपना देश की आज़ादी और देसी रियासतों का विघटन हुआ था। तो ये आपके हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बेसिक जानकारी, 1885 से लेकर के 1947 के बीच जितने भी आंदोलन जो भी काम हुए या रद्द हुए सब मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। आप लोग सभी
जो ईसवी दिया है उसको बढ़िया से याद कर लेंगे और तीनों चरण के बारे में बढ़िया से समझेंगे कि उदारवादी चरण क्या होता है, उग्रवादी चरण क्या होता है, गांधीवादी चरण क्या होता है। इसे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।